दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 16 में महिला का गला घोंटकर हत्या का मामला सामने आया है। फिलहाल मामला लूटपाट का बताया जा रहा है। आपको बता दें कि महिला के परिजनों ने बताया कि गीता सक्सेना के हाथों में सोने की अंगूठियां थी और कानों में दर्जनों बालियां भी थी जो गायब है। मृतका की बेटी ने बताया कि उसकी माँ के गले में चुन्नी से गांठ लगी हुई थी और गले को बुरी तरह से दबाया हुआ था। मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल में पहुँचा दिया गया है। लेकिन इस तरह के लगातार बढ़ रहे क्राइम से दिल्ली के लोगों में डर का माहौल है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर कितने वक्त में दिल्ली पुलिस इन हथियारों को पकड़ पाती है।